आम आदमी पार्टी ने आज जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से भाजपा नेताओं द्वारा सरकारी बंगलों के इस्तेमाल के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए भाजपा नेता कविंदर गुप्ता के आवास के बाहर रोष जताया। पार्टी नेता ओम प्रकाश खजूरिया ने कहा कि इन बंगलों में रहने के साथ ही भाजपा नेता बिजली पानी का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आज का जो प्रोटेस्ट था हमारा आम आदमी पार्टी का, वो प्रोटेस्ट था कि जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरकारी बंगले ऑक्यूपाई किए हैं, जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं है, वो लोग वो सरकारी बंगले इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो सरकारी बंगलों के साथ खाली सरकारी बंगलों का ही इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उनके नाम पर लाखों रुपये के बिजली के और पानी के बिल बकाया हैं। एक तरफ ये बिजली विभाग, ये सरकार जम्मू कश्मीर ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, अगर किसी का 500 रुपया बिल बकाया हो, बिजली का बिल बकाया हो या पानी का बिल बकाया हो, तो उसके कनेक्शन काट रहे हैं। दूसरी तरफ ये किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी वाले इस देश को निजी संपत्ति समझते हैं? ये लोगों के टैक्स पेयर का पैसा है, आम आदमी पार्टी उसका दुरुपयोग नहीं होने देगी। बैठेंगे आम आदमी पार्टी जो है वो अनशन पे बैठेगी और इनके सरकारी बंगले खाली करवा कर रहेगी, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर जनता का पैसा जो है वो सरकारी बंगले ये मल के बैठे हुए जितने भी एमएलए, जब असेंबली भंग हो चुकी है, जब इनको नोटिस चले गए हैं, तो फिर आखिर क्यों खाली नहीं किए जा रहे? यहाँ से पता चलता है कि भाजपा के दबाव में अलची है। इस मौसम में J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सभी से एक एक पौधा लगाने का आग्रह करते हुए J&K को हरियाली की ओर ले जाने का संदेश दे रहा है। J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि इस मॉनसून में सभी सहयोग देकर J&K को ग्रीनरी की ओर ले जाएं। वृक्ष भूमि का गहना है, जन जन से ये कहना है। इशूड बाय J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड पब्लिक इंटरेस्ट।